समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए नजर डालते हैं झांसी की खास खबरों पर। पुलिस के लिए गले की फांस बना कमलेश यादव हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए लगी पुलिस की एफएसएल तथा एसआईटी टीम तथा राज्य विधिक आयोग की टीम ने आज घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर क्राइम सीन दोहराया। हत्या और आत्महत्या और एक्सीडेंट के बीच फंसे इस मामले में पुलिस ने मृतक का पुतला नुमा को जमीन पर डालकर कार चढ़ाकर एक्सीडेंट का भी क्राइम सीन दोहराया। हर बिंदु हर पहलू पर पुलिस ने जाँच पड़ताल की। पुलिस टीम तथा एसएसपी सहित कई पुलिस अफसर ने घटनास्थल पर करीब 1.5 से 2 घंटे तक पसीना बहाया। पिछले माह पूर्व सीपरी थाना क्षेत्र के शिवपुरी हाईवे पर मिली कमलेश यादव की लाश प्रकरण में पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया था। इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में लगी पुलिस हर बिंदु पर जांच पड़ताल कर रही है। एसएसपी शिवहरी मीना के निर्देशन में कमलेश यादव हत्याकांड का खुलासा करने में लगी एसआईटी टीम तथा एफएसएल टीम व राज्य विधिक आयोग और चिकित्सकों की टीम आज एसएसपी शिवहरी मीना के नेतृत्व में टीमों ने घटनास्थल पर पहुंचकर बारीकी से निरीक्षण किया और मृतक नुमा एक पुतला बनाया। इस पुतले को उसी घटनाक्रम के तहत मौके पर रखकर बारीकी से घटना का निरीक्षण किया और घटना किस प्रकार कैसे हुई हर उस बिंदु पर जाँच पड़ताल की। घटनास्थल को येलो टेप से सील कर बारीकी से परीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए। एसएसपी द्वारा कमलेश यादव हत्याकांड का खुलासा करने के लिए बनाई गई एसआईटी टीम में कई होनहार जाबाज पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया। आज कई टीमों द्वारा किया गया मौके पर परीक्षण और जांच से अनुमान लगाया जा रहा है कि पुलिस जल्द ही अपने गले की फांस बने कमलेश यादव हत्याकांड से पर्दाफाश करेगी। झांसी से मनीषरी की रिपोर्ट। क्या है पूरा? देखिए, थाना सिंपरी बाजार का एक 27/22 क्राइम नंबर कमलेश हत्याकांड का मामला चल रहा था, जिसकी योजना एसआईटी द्वारा की जा रही है। उसकी गहनता से साक्ष्य संकलन किया जा सके, इसके लिए राज्य विधिक आयोग की तरफ से डिप्टी डायरेक्टर साहब लखनऊ की गठन किया गया। यहाँ पे सीन ऑफ क्राइम को रिक्रिएट किया गया और बहुत बारीकी से हर एक पहलू को देखते हुए साक्ष्य संकलन किए गए। उस समय के घटनाक्रम को पुनर्रचना की गई, जिसके आधार पर आगे डिस्कस तक पहुँचा जा सकेगा। इसी के मद्देनज़र डॉक्टर साहब आए हैं, उनकी टीम आई है।